सो हेलो गाइज, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे, बिंदास होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। तो गाइज यार, आपके इस चैनल पर काफ़ी समय के बाद आज अपडेट दे रहा हूँ वीडियो के जरिए, क्योंकि लगभग साल ही हो चुका है और इस चैनल पर है वीडियो नहीं आई है अभी तक। तो यार, अब से इस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोडिंग होती रहेगी। मुझे उम्मीद है जिस तरह से आपने यहाँ तक इस चैनल में साथ दिया है, आगे भी इस तरह से आप अपना साथ देंगे। तो गाइस, काफ़ी समय के बाद आज इस पर वीडियो आ रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप जानते ही है कि हम हैं भारत के निवासी, और शुरुआत करते हैं इस चैनल पर एक नए एपिसोड्स की। तो यार, फर्स्ट वीडियो हम रिएक्शन के लेकर आए हैं आपके लिए। मैं उस भारत से आता हूँ और जो वीडियो का श्रेय जाता है वो जाता है मिस्टर मनोज मुंतशिर शुक्ला सर जी को, जिन्होंने इस वीडियो को रिप्रेजेंट किया है और काफ़ी उम्दा वर्क उन्होंने किया हुआ है। और उनके प्रति जितने भी शब्द कहें वो बहुत कम हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनका लहजा और उनके शब्द किसी के भी दिल को छू लेते हैं, झकझोर के रख देते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैं उस भारत से आता हूँ, ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या है इस वीडियो में। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन देते हैं कि कैसी रही ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मेरा नाम है वीरेंद्र, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। प्रणाम, मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्मयोग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और पांच पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है, एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी, एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका ना झुका ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। वीडियो तो आपने देख ली होगी, जरूर देखी होगी, और बिल्कुल आप अपने विचार इस वीडियो के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पूरा
इनका चैनल है, चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके चेकआउट कीजिए। इनके चैनल को पूरा श्रेय जाता है मिस्टर मनोज मुंतशिर सर को, जिस तरह से इन्होंने कवर किया है वीडियो को और क्या शब्द कहे हैं इन्होंने और क्या रोया है हर शब्द को लाइन में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, बहुत उम्दा शब्द। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।